बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को टिकट ना देने का फैसला किया है। वहीं इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इतिहादुल मुस्लिमन ने मुख्तार अंसारी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इतिहादुल मुस्लिमन के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि अगर मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी में शामिल होते हैं तो हम यूपी चुनाव 2022 के लिए उन्हें टिकट देंगे। मतलब साफ है कि मुस्लिम नेताओं को असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं और मुस्लिम नेताओं का AIMIM में शामिल होने पर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के कदावर नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी साइस्ता परवीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इतिहादुल मुस्लिमन में शामिल हो चुकी हैं। यूपी में अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम वोटर काफी हैं और ओवैसी यूपी में सपा को वोट देने वाले मुस्लिम वोटरों पर काफी प्रभाव डालेंगे, क्योंकि यूपी में ओवैसी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से अधिक अखिलेश पर भी हमलावर रहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मुस्लिमों ने अखिलेश की सपा को हमेशा वोट दिया लेकिन अखिलेश ने मुस्लिमों के लिए कुछ कार्य नहीं किया। अब देखना ये है कि यूपी के मुस्लिम वोटर अखिलेश के साथ रहेंगे या ओवैसी के साथ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.